कल मुंबई आएंगे पीएम मोदी, शिवाजी पार्क में होगी महारैली, मुंबई में ट्रैफिक अलर्ट जारी, घर से निकलने से पहले एडवाइजरी जरूर पढ़ें। यूपी बिहार में फंसे वोटर्स महाराष्ट्र में कैसे करेंगे मतदान, नहीं मिल रही है लौटने की टिकट, महाराष्ट्र में कुल 35 लाख उत्तर भारतीय। 17 नवंबर को शिवाजी पार्क में गर्जेंगे राज ठाकरे, रैली करने की मिली अनुमति, उद्धव ठाकरे को नहीं मिली परमिशन। उद्धव के बाद अब सीएम शिंदे, नितिन गडकरी और अजित पवार के बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग का वीडियो भी आया सामने। इस्लाम और मोहम्मद पैगंबर का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी ने दी चेतावनी। मुंबई में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यो को निकाल बाहर किया जाएगा, अमित शाह का ऐलान। दंगे की चोट पर वक्फ कानून को बदलेगी मोदी सरकार, मुंबई रैली में अमित शाह का ऐलान। बीजेपी सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम को भी टिकट दे सकती है, नवाब मलिक को टिकट देने पर बोले नाना पटोले। मुंबई के जोगेश्वरी में यूबीटी और शिंदे सेना कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प, लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे कार्यकर्ता, पुलिस ने की भीड़ को काबू। मुंबई के दादर इलाके में गंदा पानी आने से लोग परेशान, कई बीमार पड़े। मोदी शाह ने शिवसेना को तोड़ने के लिए अडानी का इस्तेमाल किया, संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। सलमान खान को धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार, आरोपी को पुलिस ने कर्नाटक से किया गिरफ्तार। फिल्म स्टार और शिवसेना के स्टार प्रचारक गोविंदा के जूह स्थित आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई, गोविंदा लगातार शिवसेना के लिए प्रचार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बाद नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जाँच, गडकरी के हेलीकॉप्टर और सामान की भी की गयी जाँच। बुलडोजर एक्शन पर एससी की 2-2, का सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता, मनमाने ढंग से नहीं ढाए जाएंगे बिल्डिंग। करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी से 6 घंटे तक लगातार पूछताछ। इंडिगो एयरलाइंस 14 नवंबर को दिल्ली मुंबई रूट पर देगी बिजनेस क्लास सर्विस, इंडिगो अपने बिजनेस क्लास यात्रियों को आरामदायक सीटें और बेहतर सुविधाएं देंगी। आईपीएल क्रिकेट मैचों में बंदोबस्त फीस को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा मामला, बीसीसीआई से मांगा जवाब। मुंबई में सोने चांदी के दामों में गिरावट, सोना हुआ 70,450, वहीं चांदी पहुंचा 91,000। कोल्हापुर में कारोबारी से वाहन चेकिंग के नाम पर 25 लाख की लूट, चुनाव निरीक्षण अधिकारी बनकर आए थे चोर।